हेलो इवनिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। जी हाँ, ये अभी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है। 2019 में जो CGPSC और व्यापम के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ही, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में नीचे आप देख सकते हैं, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जो अभिभाषण दिया था, ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, डेट इज़ dprcg.government.in, उसमें रोज़ की सारी अपडेट्स रहती हैं। और अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है 4 फरवरी को FNDM का, यानी कि डिप्टी मैनेजर फॉरेस्ट्री का, उसमें भी इसी साइट से में जो न्यूज़ रहती हैं उसी से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो हम इन कुछ चीज़ों को आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उसको इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरुआ, घुरुआ एवं बाड़ी और एला बचाना है संगवारी। यानी कि हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये किस योजना का नाम है। ये है, नीचे से आप रेड में देख सकते हैं, सुराजी गांव योजना 2019। अभी कल से यानी कि 8 फरवरी से जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उसमें ये फाइनल हो जाएगी ये योजना, ठीक है। एक महीने का है वो सत्र, यानी कि 8 फरवरी 2019 से वो सत्र चालू होगा विधानसभा का, ठीक है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि आखिर ये चार चीज़ें हैं क्या। ऊपर से आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, ठीक है। नरवा का मीन्स होता है नदी नाला। गरुआ, आप गाय देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि पशुधन। उसके नीचे है घुरुआ, घुरुआ मीन्स जैविक खाद एंड बायो कंपोस्ट। और चौथा जो है बाड़ी, यानी कि इस फोटो में आप बाड़ी को देख सकते हैं और नीचे से भी देख सकते हैं कि घर के बाड़ी में साग सब्जी एवं फल को लगाना है, ठीक है। आइए नीचे जो सेकंड पेज है उसमें इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं और इसको पूरी अच्छे से याद कर लेते हैं अभी के अभी। नरवा का मतलब होता है, इसके ऊपर देख सकते हैं कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, जैसे ये चारों जो हैं ये प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड चीज़ है। नरवा का मीन्स होता है नदी नाला, यानी कि नदी नाले का क्रमबद्ध संरक्षण एवं संवर्धन। इसका मतलब है कि गांव के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सरकार का पहला उद्देश्य होगा। दूसरा है गरुआ, यानी पशुधन, गाय भैंस बकरी इत्यादि पशुधन जो है उसके प्रबंधन से रिलेटेड काम किया जाएगा, प्रबंधन एवं संरक्षण, और दूध जो देती हैं गाय और जो उसका नस्ल है उसमें भी सुधार लाया जाएगा। तीसरा जो है गरुआ वो है कंपोजिट पिट को जैविक खाद की लघु उत्पादक इकाइयों में बदलना। और जो चौथा उद्देश्य रहेगा हमारी इस नई सरकार भूपेश बघेल जी का, वो है घर के बाड़ी में साग सब्जी लगाना, यानी कि बाड़ियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में समुचित सुधार करना। चलिए तो ये चार चीज़ हम इस एक पेज से और इन चार तस्वीरों से याद कर लिए हैं। और मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप इसको किसी ट्रिक से याद रखिए, ये विजुलाइजेशन से याद रखना बहुत आसान है। आइए इसके नीचे हम देख लेते हैं 6 जो पॉइंट्स हैं, जो उस साइट में तकरीबन 34 पॉइंट्स थे जिनमें से ये 6 मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये सबसे पहला पॉइंट ही अभी जो हाल फिलहाल में मैंने जो एग्ज़ाम बताया था, यहाँ ऊपर से आप उसका लिंक देख सकते हैं, उसमें पूछा गया था। नई सरकार का गठन होते ही उसी दिन 17 दिसंबर 2018 को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 16,65,000, देखिए ये जो सवाल पूछा गया था, ये पूछा गया था, चार ऑप्शंस थे इसमें से एक तो इनमें से कोई नहीं था, और जो बाकी तीन ऑप्शन थे वो थे 15,61,000, 16,61,000 और 17,61,000, तो उसका आंसर नन ऑफ दिस था। मतलब आप लेवल सोच सकते हैं कि ऑप्शंस का लेवल काफ़ी हाई था। आइए तो आगे बढ़ते हैं। 16,65,000 से अधिक किसानों का 6,100 करोड़ से अधिक अल्पकालीन कृषि ऋण माफ़ करने का निर्णय लिया गया, एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों का 30 नवंबर 2018 तक का अल्पकालीन ऋण माफ़ किया जाना है। और ऋण माफ़ी के निर्णय को सेकंड पॉइंट, अमली जामा पहनाने के क्रम में पहले चरण में 10 दिनों के भीतर लिंकिंग तहत हुई धान खरीदी के चरण में 1248 करोड़ रुपए की राशि, हमको ये राशि याद ना रखकर जो ग्रीन में है वो याद रखना है कि 3,57,000 किसानों के खाते में जमा कर दी गई है। अगले चरण में शेष प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही 2018-19 में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का निर्णय लिया गया है।
फोर्थ पॉइंट इस वर्ष 2013 में हुआ था जीरम घाटी, जीरम घाटी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच SIT से कराना है, इस सबको पता है, लेकिन जीरम घाटी कब हुआ था ये ऑप्शन देखकर हम शायद कंफ्यूज हो जाएं। तो 2013 एक बहुत ही अनलकी नंबर है, उससे आप याद रखिएगा 2013 को ये अनलकी जो घटना है ये घटित हुई थी। तेंदुपत्ता के ऊपर सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तेंदुपत्ता संग्राहकों तथा विभिन्न लघु वनोपज से स्थानीय समुदायों की आमदनी में वृद्धि के लिए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 से बढ़ाकर 4000 की जाएगी, ठीक है, यानी कि 1500 रुपये बढ़ा दिया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा निर्णय है। और ये जो बस्तर के लौंडी गुड़ा, जब भी आप गुड़ लेने जाते हैं तो क्या हो जाता है, गुंडी मार देते हैं ये लोग, ठीक है, लोहा से आप याद रखिए, लोहांडी गुड़ा में टाटा इस्पात संयंत्र की स्थापना के राज्य शासन द्वारा ग्रामीणों किसानों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें ये 10 गांव थे। हमें याद रखना है नीचे वाला पॉइंट, 1700 और 1700 यानी कि 1700 से अधिक खातेदार थे और 1700 हेक्टेयर की वो ज़मीन थी, इस फिगर को आप याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो में हम इतने करेंगे, और जो पाँचों पॉइंट है उसके बारे में आपको बता दूँ कि अभी हाल फिलहाल में जो सैफ का एग्ज़ाम हुआ था ऑडिटिंग इंस्पेक्टर का, उसमें जो सवाल पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि एक मानक बोरा तेंदुपत्ता के एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ते होते हैं। ऑप्शन था 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000। उसका आंसर है 50,000, यानी कि 1000 × 50 इज़ द राइट आंसर। एक मानक बोरा तेंदुपत्ता में 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले वीडियो में मैं आपको जो वो साइट है जिसमें से आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका डायरेक्ट वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि कहाँ से खोलना है और वो कौन सी साइट है। वो DPR जो साइट है उसका फुल फॉर्म आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के तहत भी ले सकते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन यानी कि जनसंपर्क विभाग, जिसका ऑफिस खुद चीफ मिनिस्टर हमारे भूपेश बघेल जी के ग्रह उनके घर में ही है, उसके बारे में मैं आपको डायरेक्ट डिटेल दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।